गुड इवनिंग, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। गाइस, वीडियो काफी देर के बाद आ रही है यहाँ पे, उसके लिए सॉरी। आज जो मेरा टॉपिक होगा वो मैथमेटिक्स का है। आज पहले पार्ट में वीडियो बनाई थी, वो मैंने बनाई थी आपकी हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट इन 4 सेकेंड। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लेना, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिट मेथड से आपको पढ़ाया गया था। गाइस, आज हम करते हैं, जैसे मुझे बोला गया फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 729, 512, 343, ठीक है। ये मैंने 1 से 9 तक क्यूब लिखे हुए हैं, ठीक है। जब भी एग्जाम में जाना आपको इतने तो याद होने चाहिए, और ताकि बड़े से बड़ा आ जाए वो भी हम इजी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। गाइस देखो, यहाँ पे हाउ टू फाइंड क्या लिखा था मैंने कि 729 क्यूब रूट। चलो 729 तो आपको पता कि 9 का है, ठीक है। ये 512 आपका कितना है भाई, ये आपका 8 का क्यूब है, और 343 आपका 7 का क्यूब। ये तो आप कर लोगे इजी टर्म जब आपके पास आ जाएंगे 729, जब तीन तीन डिजिट वाले होंगे, ठीक है। बट अगर कल को ऐसे पूछ लिया फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3375, क्यूब रूट ऑफ 3375, तब आप क्या करोगे भाई? 3375 अगर आपको याद है, ठीक है, 15-20 तक के आपने क्यूब याद किया है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। बट कईयों को याद नहीं होते, तो देखना है कि ये किसका क्यूब है। तो हम देखो भाई, जब हम स्केयर फाइंड कर रहे थे तो हम लास्ट के 2 डिजिट लेते थे, क्यों? क्योंकि तब हम स्केयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो हमने लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं इस बार, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। स्केयर में हम क्या करते थे, 2 डिजिट लेते थे, ठीक है। और दूसरा जो लेते थे हम ऐसे वाला, इसको हम मानते थे कि नहीं ये ऐसे ही है, ठीक है। अब हमने लेने हैं 3 डिजिट लास्ट के, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट किसके क्यूब में आ रहा है, ये 5 यूनिट डिजिट है, ये किसके क्यूब में आ रहा है। देखो इसमें 1 आता है, इसमें यूनिट डिजिट 8 है, इसमें यूनिट डिजिट 7 है, इसमें 4 में 4 आता है, 5 में 5 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये यूनिट डिजिट 5 है वो कौन से क्यूब में आता है, 5 के क्यूब में आ रहा है, ठीक है। फिर हमने ये 2 ये 3 दिए थे, एक तो यूनिट डिजिट का काम खत्म, ये जो 2 बचे इनका काम कोई नहीं, इसको ऐसे रखना आपने साइलेंट, ठीक है। फिर हम देखेंगे 3 का। अब ये देखो यार, 3 का परफेक्ट क्यूब होता भाई, 2 का क्यूब तो 8 है, बाकी छोटा कौन है भाई। 3 का देखो भाई, 3 हमने नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि 3 से हम छोटा लेंगे या 3 के बराबर हो चाहिए, तो 3 के बराबर है कोई क्यूब रूट नहीं है। 3 से छोटा कौन है, 1 का क्यूब, वो कौन इतना 1, ठीक है। तो 3 का कितना लिया हमने, 1, तो मतलब ये 15 का क्यूब है। 3375 जो है ना, वो किसका क्यूब रूट है भाई, 15 का क्यूब रूट है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और भी हम एग्जांपल लेते हैं इससे, और चलो बढ़ते हैं हम आगे। अब आगे ये एग्जांपल देखो, आगे वाली एग्जांपल क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 58321। 58321 तो मैंने आपको क्या बोला कि हमने लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, और इसका यूनिट डिजिट देखा है 2। 2 जो है ना वो किस क्यूब में आता है भाई, देखो भाई 1 के क्यूब में 1 यूनिट डिजिट आ रहा है, 2 में 8 आ रहा है, और 3 में 7 आ रहा है, 4 में 4 आ रहा है, 5 में 5, 6 में 6 यूनिट डिजिट आ रहा है, 7 में 3 आ रहा है, और 8 में आ रहा है 2 लास्ट में। तो ये 2 जो आपका क्यूब है, ठीक है, सॉरी यूनिट डिजिट है, वो किसके क्यूब में आ रहा है, 8 के। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 8, ठीक है। जिसके भी आपके यहाँ पे यूनिट डिजिट बन रहा है ना, कौन से क्यूब में आता है, तो उसको आपने एंड में रख देना है, 8 के। देखो 8 के क्यूब में लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है। अब आगे के 2 ये हम कैंसिल कर देंगे। अब हम देखेंगे 5 किसका परफेक्ट क्यूब है। 5 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता, तो हमने 5 से छोटा लेना है। अगर हम 2 का क्यूब ले, वो कितना होता है, 8 होता है, वो 5 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। बट हमें यहाँ 5 के बराबर चाहिए या 5 से छोटा चाहिए, तो 5 से छोटा किसका क्यूब है, 1 का, तो मैंने लिख दिया 1। तो इसका आंसर कितना होगा, 18। तो इसका क्यूब कितना होगा, 18। चलो हम आगे देखते हैं, आगे 9261। अब 9261 ये 1 क्यूब है, वो किसका है। देखो भाई, अगर आप क्यूब की बात कर रहे हो ना, तो यूनिट डिजिट कोई रिपीट नहीं होता, यूनिट डिजिट कोई भी किसी के स्क्वायर का रिपीट नहीं होगा भाई, बट स्क्वायर में रिपीट होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो 1 है ना, तो वो किसके आ रहा है, 1 के आ रहा है, और कहीं 1 है, और कहीं 1 नहीं दिखेगा, ठीक है। तो 1 किसके आ रहा है भाई, 1 के आ रहा है, तो मैंने लास्ट में रख दिया 1। फिर आगे वाले भाई 2 है तो कर दो कैंसिल, ठीक है। फिर बचा कितना, 9। 9 किसी का परफेक्ट क्यूब है, 9 किसी का परफेक्ट क्यूब है। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 हो गया,
बट यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, 9 या 9 से छोटा, तो 9 से छोटा वाला कौन है भाई, 2 का क्यूब, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 2, तो मेरा आंसर कितना होगा 21 मेरा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसके लिए आपको बड़ी बड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। ये 3-3 सेकंड के क्वेश्चन हुआ है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट से सिंपल होते हैं, ठीक है। चलो हम और भी डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल आगे, 5-5 वाले टर्म्स लेते हैं। चलो अब देखते हैं, अब 5 वाले टर्म्स लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, 4, 6, 6, 5, 6 का मैंने क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करूंगा मैं? मैंने आपको क्या बोला कि हमने लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, लास्ट के 3 डिजिट ले लिए हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि आपने यूनिट डिजिट देखना है 6, जो 6 यूनिट डिजिट है वो किसके स्केयर में आ रहा है, तो ये यूनिट डिजिट क्यूब रूट में रेपिटेशन नहीं होती, 6 का 6 में ही आएगा। तो इसका पहले हमने देख दिया, लास्ट में मेरा 6 आंसर था, लास्ट में मेरा 6 आंसर होगा, ठीक है। पहले देख लेते पहले कितना, अब यहाँ पे कितने बचे, 2 बचे। अब देखो 46 किसी का क्यूब है, 46 किसी का परफेक्ट क्यूब है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, बट मुझे चाहिए क्या 46 या 46 से कम, तो 40 यहाँ पे 64 हो गया 4 का, तो इससे छोटा चाहिए मुझे, तो मैंने कितना लिया 3 का क्यूब, तो मैंने दे दिया यहाँ पे 36, तो मेरा आंसर कितना होगा भाई 36 मेरा आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, अगर आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसका आपने आंसर देना मुझे, ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं 85184, ठीक है। तो इसका भी हमने क्यूब फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे भाई, इसका हम देखेंगे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 4, 4 यूनिट डिजिट किस में आता है, 4 के ही क्यूब में आता है, तो मैंने रख दिया 4, तो लास्ट में मेरा आंसर 4 होगा भाई, ठीक है। इसके बाद हम, मैंने आपको क्या बोला कि 3 टर्म लिया है, 2 ये आपका तो निकला, ठीक है। फिर आपने देखना 85 किसी का परफेक्ट क्यूब है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, यहाँ पे मुझे 85 चाहिए था बट 85 नहीं है, तो 85 से छोटा कौन सा भाई, 4 का क्यूब कितना 64, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा ये 4 का क्यूब, तो यहाँ पे आंसर है मेरा 44 का क्यूब, ठीक है। 44 का क्यूब होता है वो 85184 है भाई, ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेटर से करके देख लेना भाई। आगे बढ़ते हैं भाई 6 टर्म वाले, अब देखो आगे भाई, आगे 6 टर्म वाले आ जाएंगे, जितना मर्जी आ जाए, ठीक है, आपको 10 तक तो याद होने चाहिए, 10-12 तक होने चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई 175616 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है कि किसका परफेक्ट क्यूब है, तो हम क्या करेंगे भाई, लास्ट के 3 डिजिट लेना है, क्यों, क्योंकि हम क्यूब फाइंड कर रहे हैं भाई, तो क्यूब फाइंड करेंगे लास्ट के 3 डिजिट, अगर स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट। अगर ये वीडियो आपने इस वीडियो से पहले अगर आपने स्क्वायर रूट वाली नहीं देखी है तो प्लीज पहले स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखना, वो भी मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, और उसके बाद ये देखना, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। अब 6 किसका भाई परफेक्ट, सॉरी यूनिट डिजिट है, 6 का ही यूनिट डिजिट होता है भाई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 60 ये वाला इसको काट दो, ये हमें नहीं चाहिए, चाहिए क्या, 175 जो यहाँ पे रिमेनिंग बचते चलेगी उसी का हम देखते चलेंगे किसका परफेक्ट क्यूब है। तो 175 किसी का परफेक्ट क्यूब है, देखने के लिए मैं इधर आता हूँ, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 होता है, बट मुझे 175 के बराबर चाहिए या 175 से छोटा, तो 175 से छोटा कौन आ सकता है, 125 वो किसका क्यूब है, 5 का क्यूब, तो यहाँ पे हम रख देंगे 5, तो मेरा 56 का क्यूब मेरा होगा 175616, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस पे, तो लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, रिमेनिंग क्या बचे, ये वाले इसको छोड़ दो, ये आगे ये वाले 2 वाले कट कर दो, तो 2 किसका यूनिट डिजिट है भाई, 2 किसका यूनिट डिजिट है, 8 का, तो मैंने रख दिया लास्ट में 8, मेरा लास्ट में आंसर कितना होगा भाई, 8 होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बचा कितना, 681 बचा, तो 681 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, यहाँ पे मुझे 681 चाहिए था या 681 से छोटा, तो 729 बड़ा हो गया, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, ये छोटा है तो 8 का क्यूब, तो मेरा आंसर कितना होगा भाई 88। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हम अपना चैप्टर वाइज शुरू कर देंगे मैथमेटिक्स का, जिससे पहले आपको परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस या आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज रेशियो, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज की वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, ठीक है। और अब हमने शुरू कर दिया अपना सिलेबस, तो ये हम पूरा खत्म करके ही रहेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, और इंस्टाग्राम का पेज भी हमारा, वहाँ पे करंट अफेयर डेली चल रहा है, और काफी अच्छी बात है कि हमारा इंस्टीट्यूट में अभी 4-5 मंथ ही हुए हैं, खुले हुए हैं, और वहां से SSC GD का जो रिजल्ट आया वो कम से कम हमारे 15-16 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए रिटर्न में, वो काफी अच्छे जो टॉप पे हैं उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं,
80 प्लस नंबर है उनके, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, बस यही कहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।